ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड से 150 किलोमीटर दूर और लगभग 1 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ पापुआ न्यू गिनी ओशियाना कॉन्टिनेंट की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। न्यू गिनिया जो आइलैंड है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। हालांकि पापुआ न्यू गिनी अर्थ के टोटल लैंड एरिया की 0.5% से भी कम है, लेकिन अर्थ की 5% ग्लोबल डाइवर्सिटी पापुआ न्यू गिनी में ही है। And it is one of the 17 mega diverse countries of the world. कमाल नहीं है, कैसे कैसे जानवर दिखने लग रहे हैं जिनके कभी नाम ही नहीं सुने, कभी देखे ही नहीं। शेरू पीएनजी की आवाम को दुनिया की सबसे हेट्रोजेनस या डाइवर्स पॉपुलेशन माना जा सकता है, और इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ 800 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, जो कि इंडिया से भी कई गुना ज्यादा है। ये देश हजारों अलग अलग समुदाय या कम्युनिटीज में डिवाइडेड है, जिनमें से ज्यादातर की पॉपुलेशन सिर्फ कुछ 100 लोग है। डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, इनमें से काफी कम्युनिटीज अपने पड़ोसी कम्युनिटीज के साथ सदियों से कंटिन्यूसली युद्ध में भी लगी है, और कुछ ट्राइब्स तो ऐसे भी है जो माना जाता है कि इंसान को मार के भी खाते हैं। हालांकि पीएनजी की मोस्टली पॉपुलेशन जंगलों में रहती है, आज हम चल के एक्सप्लोर करने वाले हैं इनकी कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी पोर्ट मॉरिस पे। The video shows a woman in pink scrubs walking to her silver car. A man in a blue shirt suddenly starts running up behind her, and after a brief struggle, you see the gun. Port Moresby has one of the highest crime rates in the world. यहाँ पे armed robbery और carjacking, यानी कि सड़क पे चलती कार को दिन दहाड़े बंदूकों के सहारे लूटना हद से ज्यादा आम बात है, और मानो पब्लिक को जैसे इसकी आदत सी हो चुकी है। गाड़ी के आगे गाड़ी लगा लेंगे, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा लेंगे, चार पांच लड़के आएंगे बंदूक लेके चाकू लेके गाड़ी को घेर लेंगे। बाकी क्राइम्स जैसे कि पब्लिक में और घर में घुस के लूटपाट एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन लाइक सेक्सुअल वायलेंस, असॉल्ट एंड रेप आर आल्सो ऑन द राइज। An Australian woman has been raped after she and her friends were carjacked on a surfing holiday in Papua New Guinea. आमतौर पे कोई भी टूरिस्ट पोर्ट मोरस्बी में घूमना पसंद नहीं करता और रेयरली ही यहाँ कोई आता है, जिसकी वजह से ऑनलाइन यहाँ पे गिने चुने और काफी महंगे होटल्स हैं। जब मैं कह रहा था ना कि इधर के लोग बीटल नट खाते और आपको लाल निशान दिखेंगे सड़कों पे, ये देखो बीच तक भर रखा है। कुछ ही ऐसे देश होते हैं जो मेरे को नहीं पसंद आते, इतने बहुत थोड़े देश हैं, वरना मैं हमेशा तारीफ करता हूँ देशों की। कल एयरपोर्ट से होटल आने के बाद आज पोर्ट मोरस्बी में मेरा दूसरा दिन है, लेकिन होटल से बाहर निकलने की बात करें तो पहला। तो आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं द कैपिटल सिटी ऑफ पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मोरस्बी को। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल पोर्ट मोरस्बी से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक नए दिन में। और कल जल्दबाजी में आपने देखा मैंने वो इनका बीटल नट भी ट्राई कर लिया। मेरा प्लान था कि मैं आगे जरूर ट्राई करूंगा पापुआ न्यू गिनी में, क्योंकि जितने ही पैसिफिक ओशियन के जो देश है ना, ये लोग ऐसी है, हर जगह का कुछ ना कुछ नशा होता है लोग जो आमतौर पर करते हैं। यूजुअली इधर क्या है, बीटल नट से बात करते हैं। बीटल नट ना अरेका पाम एक फ्रूट होता है, उसका बीज होता है दरअसल, उसे बीटल नट बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या नाम है, पर एक तरह की सुपारी टाइप का होता है, और इसे ना जगह जगह आपको यहाँ पे इसके निशान भी मिलेंगे। जिस तरह अपने इंडिया में दिल्ली वगैरह में देखोगे आप तो गुटखा के निशान होते हैं लाल से, जगह जगह लोगों ने थूक रखा होता है, उसी तरह यहाँ पे बीटल नट के भी वो ना मुँह एकदम लाल सा हो जाता है, दांत भी लाल हो जाएंगे और थूक एकदम लाल आता है, सड़कों पर जगह जगह निशान दिखेंगे। एनीवेज मैंने सोचा चलो ट्राई करूंगा इनमें से किसी देश में एक बार जरूर, कल इतना स्पॉन्टेनियस था पर एकदम से ही हो गया वो ट्राई, और उसके बाद आगे मैं कमरे में फिर बाहर निकला नहीं, मैं सोचा रिस्क नहीं लेते क्योंकि पापुआ न्यू गिनी एक खतरनाक देश और इधर ना सेफ नहीं इतना, जैसे हाइती वगैरह या फिर अफ्रीका कुछ देश है उसी तरह यहाँ भी क्राइम बहुत ज़्यादा है। और ना नेट पर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी देश हैं ना पैसिफिक ओशन में, उनमें से सबसे पिछड़ा हुआ देश आप इसे कह सकते हो, और सबसे अनसिविलाइज आप कह सकते हो नेट पे, जैसा मैंने जाना कि इधर के लोग ना काफ़ी अनसिविलाइज है। और मैंने रियलाइज़ भी करा क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस होटल पे रहा है बिल्कुल ही घटिया रहा है, फ़ोन करो 10 बार कोई नहीं आता, पानी मंगाओ कोई नहीं देता, एक लेडी तो बिना खटखटाए अंदर घुस गई सीधा, मतलब गेट पे करके सीधा अंदर, और बोली कि मैंने तो नॉक किया था आप लोग आए नहीं, मतलब झूठ बोल रही थी। तो मतलब बिल्कुल बिना एटिकेट्स नहीं है, तरीके नहीं यहाँ पे लोगों को, पानी नहीं आ रहा, शावर नहीं काम कर रहा, ज़्यादा पैसे काट लिए वापस दिए नहीं अभी तक, कुछ भी काम नहीं कर रहा, बोलते तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, और बाहर उमस बोल जाता है, एक बार अंदर चलता हूँ। मतलब भाई ये 6,000 रुपये एक रात का होटल है $75 का, और फ्रिज वगैरह काम नहीं करता, अंदर जो भी है शावर वगैरह काम नहीं कर रहे, शिकायत करो रिसेप्शन में तो किसी को कोई मतलब नहीं, हाइडेवे नाम है होटल का। यही नहीं है सबसे सस्ता होटल है जो हमने ऑनलाइन देख पाई इस पूरे देश में इस सिटी में, तो ऐसे ही हिसाब किताब है भाई। एनीवेज इनफैक्ट अभी ना मेरे को जिम जाना था, मैंने सोचा एक्सरसाइज करने मेरा खुद ऐसे शौक कर देश में जिम जाने का, तो मैंने पूछा भाई रिसेप्शन वगैरह पे आसपास जिम का है, तो उन्होंने बताया दूर है, एक दो मैंने नेट पे रिसर्च करा तो दूर थे काफ़ी, और बोले बाहर पैदल चलना सेफ नहीं है बिल्कुल भी, इस देश में टैक्सी लेके ही जाना पड़ेगा। मैंने सोचा क्यों टाइम बर्बाद करा, यहाँ पे पेड़ पे ही लटक लूँगा, पुलअप्स वगैरह कर लूँगा, पेड़ पे एक्सरसाइज कर लूँगा, तो मैं कुर्सी लेके जाने लगा, सिक्योरिटी गार्ड बोला नहीं कुर्सी नहीं लानी, मैं बोला अरे 10 मिनट वापस रख दूँगा मैं वहाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ होटल की प्रीमिसेस के अंदर ही, तो बोले नहीं ऐसे नहीं, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे बाहर उधर मैंने पेड़ पे लटक की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली पुलअप्स वगैरह। तो बाकी आज हम तैयार हुए अभी निकलेंगे नहा धो के, थोड़ी सी सिटी एक्सप्लोर करेंगे, एक और हमारा दोस्त है निकोलाई जो कि स्विट्जरलैंड गया, वो पलाऊ में भी हमारे साथ था, यहाँ तक आया, वो तो 5-star होटल में रुका, एक महंगे होटल में हिल्टन में $800 का कमरा लिया उसने तो 3-4 रात का,
तो उसके साथ ही हमने एक ड्राइवर कराया शेड, वो हमें सिटी घुमाएगा। हमारा दोस्त है जो निकोलाई, उसका मैसेज आया कि चल पड़ा मैं हिल्टन से, 5-10 मिनट का रास्ता, तो वो आ गया होगा बार, उसके पास इंटरनेट नहीं है। दिख रहे क्या? कहीं दिख तो नहीं रहा। एनीवेज थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, पापुआ न्यू गिनी के बारे में कल भी बताया था, थोड़ा और बता देता हूँ आज। तो ये ना बेसिकली एक बहुत बड़ा आइलैंड है न्यू गिनी के नाम से, जिसका वेस्टर्न पार्ट तो आता है इंडोनेशिया के अंदर, और राइट वाला पार्ट है पापुआ न्यू गिनी, जो कि एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है। और ये पूरा आइलैंड एज अ होल देखे ना तो ग्रीनलैंड के बाद सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में। क्या बोल रहे हैं? वो देखो वो सामने ना टैक्सी वाला, उसने देख लिया कि भी बाहर के लोग हैं, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें, मैं घुमाऊंगा। बहुत खतरनाक है भाई, लूटपाट है भयंकर, सबसे ज़्यादा कार जैकिंग वगैरह यहीं पर होती है। मतलब गाड़ी रोक के लोगों को लूट लेते हैं, गाड़ी लूट लेते हैं, लोगों पे चाकू लगा के पैसे लूट लेते हैं, सारी हरकतें भाई यहीं पर होती है। बाकी ना सबसे ज़्यादा लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री भी है पूरे वर्ल्ड की, यहाँ पे 850 ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। मैं सोचता था कि इंडिया ही जिधर इतनी भाषा है, पर इधर भी है, जैसा मैंने कल भी बताया। यूँ लगा लो उसे मैंने कहा अंदर ही आ जाओ, बाहर ना जा, बाहर ठीक नहीं है, तेरे को वैसी गाड़ी में डाल के डिग्गी में ले जाएंगे, रहने दे। और ये जो इनका पूरा आइलैंड है पापुआ न्यू गिनी के अंदर, इसका जो एरिया है वो 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा है। पॉपुलेशन पूरे देश की है 90 लाख के करीब। और ना इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेज है और इतने ज़्यादा कल्चर है ना, मोस्टली लोग तो क्या इधर जंगलों में ही रहते हैं। इनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, पूरे वर्ल्ड की 5-7% बायोडाइवर्सिटी इधर है। और जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है ना पूरे वर्ल्ड की, मतलब मेगा डाइवर्स उन्हें मानते हैं जो ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी या फ्लोरा एंड फौना, जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ, जिन कंट्रीज में हो। इंडिया भी उनमें से है, उसमें से एक पापुआ न्यू गिनी भी है 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से। तो जंगल है सारे, अनएक्सप्लोर्ड है देश मोस्टली। और जो कैपिटल सिटी है उसमें क्या करते हैं लोग, अलग अलग कोनों से आके, अलग अलग ट्राइब कल्चर्स के लोग आके इस शहर में रह रहे हैं, जो अपना बिजनेसेज वगैरह कर रहे हैं, ट्राइब से कनेक्टेड नहीं है अपने, इतने ज़्यादा जंगलों से, कल्चर्स और उन कस्टम से कनेक्टेड नहीं है। तो हर आदमी की अलग भाषा है, लेकिन इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। उसके अलावा टोक पीसी ने एक लैंग्वेज जिसे पिजिन भी बोलते हैं, या फिर ब्रोकन इंग्लिश इनकी तरह की, जैसे कैरिबियन में क्रियोल बोलते हैं, इनकी अपनी अलग वो लैंग्वेज है। इसके अलावा एक दो ऑफिशियल लैंग्वेजेज है इनकी, जैसे कि PNG साइन लैंग्वेज और एक हिरी मोतू लैंग्वेज। अपने इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेज 130 के करीब है, शायद 129-130 डायलेक्ट्स है, वो 1600 कुछ है। उसी तरह यहाँ भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेज है भाई। ये टैक्सी वाला गाड़ी तो ले गया, और शीशे इसके काले, अंदर कुछ दिख नहीं रहा, मेरे को तो लग रहा है निकोलाई था, देख के वो रुका नहीं गया। लेकिन ये देखो इनकी ना वैसे रंग बिरंगी सी है टैक्सी, सारी मस्त लगती है। नहीं निकोलाई तो नहीं लग रहा शायद मेरे को, हाँ कोई और है तो जाना इसके साथ। चलो भाई। हेलो निकोलाई, वेरी गुड, हाउ आर यू? ओप्स, परफेक्ट। चलो। सो दिस इज मोसेस। हेलो मोसेस, नाइस टू मीट यू। होली मोसेस, नाइस टू मीट बात हो रही तो। ये भाई गाड़ी हमारी, डू यू थिंक इट्स बुलेट प्रूफ? No. No one can see us. Okay, no one can see us, but this is not a bulletproof. Okay. If they see us, maybe we might get carjacked. That's why you protect. Yeah, I like the tinted windows. But we can see them. We can see them, that's perfect. भाई जैसा आपने देखा यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ था स्वागतम का, हिंदी लिखी हुई पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल सिटी में, और वेलकम और इंडिया के बारे में लिख रखा था। तो दरअसल एक डेलीगेशन आने लग रही है, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आने लग रहे हैं अभी 2-3 दिन में यहाँ पे, और पापुआ न्यू गिनी और आसपास के जो भी पैसिफिक नेशंस है उनके सबकी डेलीगेशन आएगी, और इधर कोई मीटिंग सी होगी, तो उसके स्वागत में सारा देश तैयारी करने लग रहा है। इवन जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले थे तो जनगणमन बजाने लग रहे थे, जो इनके फौज वाले थे मिलिट्री ड्रम पे उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी हम आ गए इनके पार्लियामेंट में, और ये जो आप देखने लग रहे हो ना, ये है एक जापानीज प्लेन। तो जापान क्या करता था, ये जितने भी देश है ना पैसिफिक ओशियन के रीजन के जो भी देश है, इन देशों पे अपना रुतबा बनाना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था, तो वो लड़ाइयों में पड़ता रहता था इन इलाकों में काफ़ी। तो उनका एक ये प्लेन पड़ा इधर, उधर रह गया भाई पार्लियामेंट, ये प्लेन था, पार्लियामेंट में जाना इधर अलाउड नहीं है, और अब हम इनके म्यूजियम की तरफ जाने लग रहे हैं। बाकी ना ये ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल के अंडर था पापुआ न्यू गिनी, और 16 सितंबर 1975 को इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली थी, और तभी अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। पीछे इनका झंडा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, आगे हम म्यूजियम की तरफ जाने लग गए।
भाई ये है कीना शेल जो आप देख रहे हो, और ये इनकी करेंसी भी होती थी पापुआ न्यू गिनी की कीना शेल। मेरे को एग्जैक्ट साल याद नहीं है कि कौन से साल तक होती थी, और कुछ भी लेना देना हो ना कीना की फॉर्म में लेते देते थे। देखो कितनी बड़ी मतलब कि ट्रेडिशनल करेंसी थी ये बेसिकली देखा जाए तो कीना। तो एग्जैक्ट साल तो मेरे को भी याद नहीं कि भी जो कीना शेल्स थे वो कब तक यूज़ किए जाते थे एज अ मोड ऑफ करेंसी, लेकिन बाद में जब इन्होंने पैसे नोट यूज़ करने लगे तो 1975 तक, जब तक ये ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल के अंडर था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी, तब तक अमेरिकन डॉलर और फिर कीना मतलब नोट के फॉर्म में इन्होंने करेंसी का नाम भी कीना रख दिया, जैसे अपने रुपए कीना वैसे एक्चुअली ये शेल्स होते हैं जिसको ये ट्रेड करते थे पहले। बाद में इन्होंने कीना और डॉलर दोनों यूज़ करते थे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर नहीं। फिर जैसे ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर पूरी तरह से हटा दी, और 1 जनवरी 1976 से लेके आज के दिन तक सिर्फ जो कीना है वो इनकी ऑफिशियल करेंसी, और एक कीना में इंडिया के 23-24 रुपये करीब होते हैं। मैं वो आदमी हूँ जिसे म्यूजियम में जाना इतना पसंद नहीं, और मैं जिन भी देशों में जाता हूँ बहुत रेयरली होता है कि मैं किसी म्यूजियम में जाऊँ। जिस देश में कुछ भी देखने का ना होना तो मजबूरी में मैं आमतौर पर म्यूजियम में जाता हूँ, लेकिन ये म्यूजियम मेरे को काफ़ी पसंद आया। नंबर एक की काफ़ी साफ सुथरा और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, और नंबर दो की बिल्कुल खाली पड़ा है। हमारे अलावा कोई टूरिस्ट नहीं है, बस हमारे साथ जो गाड़ी लेके आए मोसेस भाई और हम ही हैं, और इतने टूरिस्ट इधर आते भी नहीं घूमने कोई। और नंबर तीन की फ्री है म्यूजियम की एंट्री। आमतौर पे क्या होता है कि भाई म्यूजियम की एंट्री लोग रख देते हैं नेशनल म्यूजियम की काफ़ी ज़्यादा, और मेरे को पर्सनली थोड़े बोरिंग से लगते हैं म्यूजियम, मेरे को थोड़ी थ्रिल एडवेंचर ज़्यादा पसंद है। मतलब फ्री एंट्री है, आपको बाद में डोनेट करना हो तो कर दो, ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी जो होनी चाहिए। और उस हिसाब से म्यूजियम भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई इनका जो कल्चर है ना पापुआ न्यू गिनी का, मतलब देश में चाहे इतना कुछ खास ना हो, देश चाहे आप वैसे घूमने लायक इतना बढ़िया ना हो, पर इनके कस्टम्स वगैरह सही में इंटरेस्टिंग है, जो इतने साल पुराने और जो चल रहे हैं। और इनकी पॉपुलेशन 90 लाख के करीब है, सिर्फ 15-20% लोग ही सिटी में रहते हैं इनकी कैपिटल में, बाकी सारे ना 80 लाख के करीब जो पॉपुलेशन है, और इनकी 80-85% पॉपुलेशन अपने कस्टमरी ट्रेडिशंस में रहती है बिल्कुल आइसोलेटेड जंगलों में, और उनका बिल्कुल अलग रहन सहन है, सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेज है, और कुछ ट्राइब्स तो ऐसे भी है जो माना जाता है कि इंसान को मार के भी खाते हैं। ये भाई कोई मगरमच्छ है, और इनके ना कल्चर में मैंने देखा है मगरमच्छ का बहुत ज़्यादा महत्व है, कि बल्कि इनका ट्राइब भी है उसमें क्या होता है क्रोकोडाइल मैन बोलते हैं उन्हें, वो आदमी है ना अपने कमर पे मगरमच्छ की तरह कट्स लगाते हैं, और वो यूँ माना जाता है कि भी मगरमच्छ भगवान है इनका, और ज़्यादा मैनली देखने के लिए पूरी कमर पे कट्स लगाते हैं वो आदमी, वो भी इनके किसी जंगलों में ही रहते हैं वो ट्राइब। चलते हैं भाई वापस गाड़ी की तरफ, थोड़ी सी बूंदाबांदी होने लगी, आप देख रहे हो कितना हरा भरा है, और ना इधर जानवर कई ऐसे जानवर है भाई इनके जंगलों में जो अभी तक डिस्कवरी नहीं हुए, जानवर पक्षी और पौधे जिनका भी साइंस को पता ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जानवर छिपे हुए हैं इनके रेन फॉरेस्ट में, वही जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में भी है। और ये जो पूरा टापू है ना न्यू गिनिया जो आइलैंड है, ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, नंबर वन पे जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, उसके बाद कॉन्गो का रेन फॉरेस्ट है, उसके बाद इनका है। 288,000 square kilometers इस पूरे रेन फॉरेस्ट का एरिया है। और यही नहीं, इसके अलावा ना कुछ ऐसे यहाँ पे बर्ड्स भी है जो कि पॉइजनस है, जी हाँ, मतलब पक्षी जो जिनमें जहर होता है, जिसका एक एग्जांपल है हुडेड पीटो हुई, वो इनका एक पक्षी है जिसके स्किन में फेदर्स में और बाकी टिश्यूज में मतलब जहर होता है पक्षी के में भी, और जानवर से प्रीडेटर से बचने के लिए। काफ़ी ऐसे यहाँ पे पक्षी और जानवर है काफ़ी खतरनाक, जिनका जो या तो अभी तक ढंग से देखे नहीं साइंस ने, या फिर बहुत लिमिटेड है और सिर्फ इसी जगह पर आइसोलेटेड है। ये भाई मशीन गन्स वगैरह और जो भी वॉर की मशीन्स थी या इक्विपमेंट थे, हथियार थे, वेपन्स थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है। वाह, व्हाट इज दैट, इज दैट अ बॉम्ब? भाई मुझे नहीं पता था ये बम है कितना बड़ा। और ये एक प्लेन, वाह भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ, मतलब वॉर का डिस्ट्रॉयड प्लेन ऐसे, मतलब इतने कॉमनली जाके आप उसे छू लो या हाथ लगा लो। यूजुअली क्या होता है कई देशों में मिलते इस तरह के प्लेन और टैंक वगैरह, पर वो ना ऐसे उनके बाहर फेंसिंग कर देते और ऐसे रख देते कि भी पास नहीं जा सकते। इज इट जैपनीज? ओ ये एक जापानीज टैंक है भाई डिस्ट्रॉयड, वाह यार। ओ ये तो वो है विली, दीज आर अमेरिकन राइट, ये अमेरिकन विली है भाई। अपने इंडिया में ये गाड़ी आपने देखा होगा, लोग जो मॉडिफाई कराते हैं ओपन जी वगैरह, उसमें इसी की चेसी यूज़ होती है, जो विली होती है अमेरिकन वही है ये, इसकी चेसी यूज़ करके मॉडिफाई करके इसमें अपने महिंद्रा का इंजन डाल देते हैं आगे, और ओपन जो जिप्सीज इंडिया में होती है वो यही है अमेरिकन विली। और ये एक ट्रैक्टर है, ये भी मेरे को अमेरिकन ही लग रहा है। ये जो गाड़ियाँ भी है ना भाई आप देखोगे सारी जापानीज क्वालिटी यूज्ड एक्सपोर्टर, ये ना सारी जापान की पुरानी गाड़ी इधर यूज़ करके चलाई जाती है, जो भी पुरानी गाड़ी है जापान भेज देते हैं यहाँ। इनफैक्ट ये देखो आप स्टीरियो भी नहीं बदला, इस पे जापानीज लिखी है, मैंने तो नोटिस ही नहीं करी थी ये चीज़, बटन भी सारे जापानीज, नवांकुर ने दिखाया मेरे को।
भाई जैसे अपन बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे थे तो अब हम आगे एक नेचर पार्क में, इधर तरह तरह के यहाँ पे जानवर है। ये देखो ये बैठा है एक, तो चलो घूमते इसे। और देखिए के था उबट्टा पेड़ के ऊपर पस किसी है, वो तो ट्री कंगारू है इसका मतलब नाम शेरू। ओ भाई हाँ चल तो कंगारू की तरह मस्त है ना, क्या खा रहे है तो वो खा रहे है पत्ते खाने लग रहे है तो बोल भी मार रहा है। Nikolai, do you want to know a secret? Tell me. I studied zoology in my university and I can't differentiate between an alligator and a crocodile. Oh, I can distinguish between an elephant and a tiger. तो भाई इनने ना ये ऐसे कंपार्टमेंट से बना रखे ताकि ये जो जानवर है ना, देखो ये जानवर की ग्रिल लगा दी, अब भाई इधर से निकल के जानवर ताकि उधर ना जाए, तो इन्होंने इंसानों के लिए ये बना लिया। अपन तो खोल के निकल जाते, जानवर में इतना दिमाग थोड़ी होता है, तभी तो जानवर है। ओ भाई ये क्या, क्या नाम है इसका, पूछ खींचते इसकी, कंगारू है किसी तरह का। अपने इंडिया में आ जाए ना इस तरह का हरियाणा का, ये इसकी पूछ पे लोग वो बांध देंगे बिजली बम की लड़ी। अरे भाई क्या क्या सोचता है इधर, ये देखो जोड़ा है तो पूरा अच्छा, नहीं माँ बेटी है यार। ये कौन सा कंगारू है भाई, ये है हुओन ट्री कंगारू। अब भाई आप लोग सोच रहे हो कंगारू ये थोड़ी उत्ती, कंगारू तो वो होते हैं जिनके यहाँ पे वो एक सा एक होते हैं, यूं कूदते हैं दो पैरों पे। जानवर की ना पूरी बड़ी होती है, स्पीसीज होती है, जैसे कि आपने रेप्टाइल्स देखे हो, रेप्टाइल्स में भी फिर ये छिपकली गिरगिट एक तरह के हो गए, फिर क्रोकोडाइल एलिगेटर हो गए, कैट फैमिली होगी उसमें भी तरह तरह के, ये लेपर्ड और लायन वगैरह तरह तरह की, उसी तरह कंगारू फैमिली के सारे थोड़े अलग अलग स्पीशीज होगी उसी में। तो भाई ऑस्ट्रेलिया से हम ज़्यादा दूर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में ही पड़ता है पापुआ न्यू गिनी। मैप में आप देखोगे तो स्क्रीन पे चल रहा होगा मैप, आप समझ गए होगे। और पापुआ न्यू गिनी के नीचे जो एकदम आइलैंड है ना, मैं नाम भूल गया, एक दो आइलैंड वो ऑस्ट्रेलिया ऑन करता है। तो टेक्निकली पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है लगभग, समुद्री डिस्टेंस देखे तो इतना नज़दीक है। तो पैसिफिक ओशन में वही ऑस्ट्रेलिया भी इसी ओशन में कंट्री है, और पापुआ न्यू गिनी भी, तो जानवर की फैमिली स्पीशीज थोड़ी तो सिमिलर होंगी। सो फ्रेंडली ये भाई तोते, ये देखो भाई क्या हाल करा इसकी चोच ने, ले 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 वो बेटे, मान गए भाई मान गए मान गए भाई तने। बदमाशी करते हो। ये देखो भाई कंगारू इनके, और ना ये भी देखो पाउच में रहते 8 महीने तक, जो ही होता है इनका बच्चा ये कंगारू का, ये 8 महीने तक पाउच में रहते हैं, इनके पेट में होगा पाउच, यहाँ से आपको देख नहीं रहा होगा भी। ये भाई WWE टन टन। भाई कमाल नहीं है, कैसे कैसे जानवर दिखने लग रहे हैं जिनके कभी नाम ही नहीं सुने, कभी देखे ही नहीं। ये तो वो है जिन्होंने पकड़ के रख रखे इधर, इनके जंगलों में कैसे कैसे जानवर होंगे यार। बायोडाइवर्सिटी इनकी सही में बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, और ऊपर से काफ़ी ऐसी स्पीशीज है जो कि अपने को पता ही नहीं कि भी एग्जिस्ट भी करती है, ऐसी ऐसी चीज़ें है भाई, साइंस को भी इतना कुछ नहीं पता, और अपने को तो जो पता है वो भी तो सिर्फ समुद्र के ऊपर पता है, थोड़ा बहुत जो पता है, समुद्र के नीचे तो एक अलग ही दुनिया है भाई, वो तो जान भी नहीं सकते। भाई नवांकुर को सांपों से थोड़ा डर लगता है, तो ये इधर नहीं आ रहा, ये सांप वाला हिस्सा, और मैंने अभी नवांकुर के साथ मजाक भी कर दिया कि सांप है, एकदम बहुत ज़्यादा डर गया। Is this snake? It's a lizard. Yeah, it's ये तो गिरगिट जैसा है भाई। ये देखो भाई ये ग्रीन ट्री पाइथन, इनका खाना इन्होंने अंदर ही छोड़ रखे है, मेंढक वगैरह देखो पेड़ पे चढ़ रखा है, और इस मेंढक को पता नहीं थोड़ी देर में आगे इसकी ऐसी गिट्टी मोसेगा ये सांप। ये है बॉयलेंस पाइथन, वो बेटे ये देखो भाई खतरनाक लग रहा है ना फुल। इसे
कितना बड़ा है ये, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है साहब ये। ओह माय गॉड, आई हैवंट सीन अ स्नेक एज बिग एज दिस। भाई वो देखो उधर पीछे से वो सांप शुरू हो रहा है, वहां से सांप शुरू होया। ये देखो भाई इतना बड़ा सांप किसी ने देखा है जिंदगी में? असली में मैंने तो नहीं देखा भाई, टीवी पे देखा ना नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में, असली में नहीं देखा भाई। सांप उठ गया। आर यू स्कैर्ड? आर यू स्कैर्ड ऑफ हिम? व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? भाई ये क्या करना चाह रहे हैं साहब? ओहो भाई ये बड़े वाला सांप है ना, ये बड़े वाला सांप देखो कंगारू तक को खा जाता है। ये इतना बड़ा है साला, ये शीशा भी तोड़ देगा। अरे तू डट जा रहे है, नहीं मन देगा। ले भाई कोल्ड ड्रिंक पी ले, क्या है एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी एनर्जी जरूरत बाकी अपने को अभी भागने के लिए। ये भाई बोतलवादी टिंगर है, इसने इसमें थूक भगा दिया। थूक भगा दिया, वन मोर अगेन। बोतलवादी टिंगर भाई। ये देखो भाई क्रोकोडाइल। ये आइटम है, ओके खा के जाम मत तेरी माने। स्नेक स्नेक। अब हम जाने लग रहे हैं दरअसल इनके डाउनटाउन की तरफ। आप देख सकते हो गाड़ी के शीशे काले, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा। और इधर पता है क्या मतलब होता है, आमतौर पे क्या जुर्म होता है? गाड़ी देखते मतलब यूं लगे कि भी इजी टारगेट है, तो गाड़ी के आगे गाड़ी लगा लेंगे, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा लेंगे, या फिर आगे सड़क को ब्लॉक कर देंगे। चार पांच लड़के आएंगे बंदूक लेके चाकू लेके गाड़ी को घेर लेंगे, गाड़ी ही आपको मतलब लूट लेंगे। गाड़ी लूटने के दो तरीके होते हैं, एक तो वह चोरी कर लिया और एक है कि भाई धक्के से लूट लिया। तो धक्के से लूटपाट बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, काफ़ी तरह के जुर्म है जिनके मैं बारे में आगे और वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा। तो इसलिए हम फॉरनर है, हमारे लिए इतना महफूज नहीं है, सेफ नहीं है जगह। तो गाड़ी के शीशे काले, लोगों को पता ना चले कि भी हम बाहर से आए हुए, वरना क्या करते साथ में गाड़ी लग। बाकी हम तो चलो फिर भी चार जने हैं, ईजी टारगेट नहीं है। पर अगर जैसे हमारा पहले प्लान था कि हमने पलाऊ में गाड़ी रेंट कर ली थी, तो हमने सोचा कि इधर भी ले लेंगे, पर हमें इतना पता नहीं था। ये बात पता चला अगर हमने ली होती तो एयरपोर्ट से मेरे ख्याल से हम अपने होटल तक भी हम अपनी गाड़ी में ना पहुंच पाते हैं ना, रास्ते में ही देख के पैदल आना पड़ता। कहने की बात होगी पर बहुत ज़्यादा कॉमन है बेसिक क्राइम इस तरह की। वैसे आमतौर पर ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि ना जाम में गाड़ी फंस जाए, भीड़ में फंस जाए, तो मैं इन लोगों को किसी को बुरा नहीं बता रहा, मतलब आमतौर पर ऐसा होता है। तो एकदम से आएंगे रोड पे, जैसे मान लो कि ये गाड़ी को टारगेट करना है, चारों तरफ से आगे गाड़ी को घेर लेंगे, गाड़ी वाला भगा सकता नहीं क्योंकि आगे पीछे सारा ट्रैफिक है, गन पॉइंट पे गाड़ी लूट लेंगे और साथ में गाड़ी से बाहर उतार देंगे। रेजिस्ट करेगा तो हो सकता है गोली भी मार दे या फिर जैसे भी हो। तो ये जो क्राइम है ना, इधर इन क्राइम्स पे कंट्रोल नहीं हुआ अभी तक भी, मतलब बहुत कॉमन ही कह सकते हैं क्राइम इधर अभी तक भी होता है ऐसा। भाई जब मैं कह रहा था ना कि इधर के लोग बीटल नट खाते और आपको लाल निशान दिखेंगे सड़कों पे, ये देखो बीच तक भर रखा है हर जगह, आपको ये लाल से निशान मिलेंगे इसके खा के जो थूक रखा होता है इन्होंने। बाकी वैसे सुंदर है। और ये देखो झंडे लगे हुए, अपने इंडिया का भी झंडा था आपने देखा होगा, तो हर पोल पे एक देश का झंडा और उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव आने लग रहा है उसकी फोटो लगी है। भाई मेरा हो गया था भूख से आल बेहाल, तो हम आगे पे एक इंडियन रेस्टोरेंट, और जैसे आपने देखा होगा इधर भी रोड पे ना गाड़ियाँ लेफ्ट साइड में चलती है अपने इंडिया की तरह। ये एक रेस्टोरेंट इंडिया है, एक नई सुबह होगी और आज कुछ खास प्लान है नहीं करने का या कहीं जाने का, तो मैं बस जिम जाने लग रहा हूँ। दरअसल हमारे होटल वालों ने ना मैं 60 कीना ओवर चार्ज कर लिया था गलती से, मेरे ख्याल से जान करके किया था उन्होंने, जब पेमेंट कर रहे थे ना उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट डाल दी, और कार्ड से जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते, पर वो तो हमने दे दिया, जस्ट वो हरा बटन दबा उसी टाइम ध्यान दे दिया था, एक्स्ट्रा पैसे कट गए थे कार्ड से।
तो बोले कि हम आपको बाद में दे देंगे या फिर आप रेस्टोरेंट में यूटिलाइज कर लो। दो तीन बार मैं आ गया तो बोलते सॉरी गलती होगी हमसे वो, पर कह रहे हैं कि ऐसे तो हमें पता करना पड़ेगा। अरे माँ भाई हमारे पैसे है, पता क्या करना पड़ेगा, आपने ज़्यादा चार्ज करे वापस दो, साफ सी बात है। यही होटल है, होटल आइडा भाई इसका नाम है। पर भाई इतनी घटिया कस्टमर सर्विस है ना इस देश में हर आदमी की, सही में मतलब बिल्कुल अनसिविलाइज है, झूठ नहीं बोल रहा। कल रेस्टोरेंट पे गए, हम बोले कि एक्स्ट्रा प्लेट ला दो, पानी ला दो, जो हमने ऑर्डर दिए ला ही नहीं रहे। हम इंडियन रेस्टोरेंट पे गए थे, वहाँ तो अलग ही इंडियन ही लोग थे, पर पता नहीं कल्चर ही ऐसा बन गया इस देश का, लोगों को मतलब ही नहीं है, काम करके राजी ही नहीं है। हम बोले एक रायता ला दे भाई, नहीं लाया, चार पांच बार बोल दिया। एक लोकल यहाँ की लड़की भी काम कर रही थी वेटर, उसे बोला प्लेट ला दे, पानी ला दे, कोई मतलब नहीं किसी को, सारे इतने केयरलेस, कोई काम करके राजी नहीं है। हमारा बाथरूम काम नहीं कर रहा, शावर काम नहीं कर रहा, फ्रिज काम नहीं कर रहा, किसी को कोई मतलब नहीं, अभी भी कंप्लेंट करी है, मतलब बिल्कुल ही ना घटिया कस्टमर सर्विस। अब बाहर एक टैक्सी ढूंढते हैं जिम जाने के लिए, चलो। इज देयर अ टैक्सी नियर बाय दिस वन? इनसाइड यही सिक्योरिटी वाला था, इनका ये जो गार्ड्स है, कल मेरे को पेट पे एक्सरसाइज करनी तो कुर्सी भी नहीं लाने दी, बोला नहीं नहीं। अरे माखा यार यहाँ कुर्सी ले रहा हूँ मैं, गेस्ट हूँ तुम्हारा, वापस रख दूंगा दो मिनट, बोला नहीं कुर्सी भी नहीं लानी। घटिया मतलब मेरे को मजे नहीं आए इस देश में, सिम डाउट। बाकी भाई ये ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ना बच्चे लाते इधर गाड़ी में, और वो हमारे होटल में पूल है, उस पूल में नहाते हो बच्चे सारे। अभी इनकी कहानी सी बताता हूँ मैं आपको, एक बार कोई टैक्सी मिल जाए। ऊबर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं चलती, और ये जो था टैक्सी वाला ये अंदर गया इधर उधर, फ़ोन भी कर दिया उसे सिक्योरिटी वाले ने, बोल रहा है आ रहा हूँ, वही जैसे केयर फ्री इनका एटीट्यूड है बिल्कुल ही। वैसे तो ना ये एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी आप इसे कह सकते हो, मैट्रिलिनियल का मतलब है कि जहाँ औरतों की किनशिप यूज़ होती है, मतलब बाप की जगह माँ की सरनेम यूज़ होगी, और प्रॉपर्टी जैसे बाप से लड़के को अपने जाती है मोस्टली सोसाइटीज़ में, इधर ऐसा नहीं, इधर माँ के पास होती है और माँ से फिर लड़की को जाती है, और लास्ट नेम भी माँ का यूज़ होता है। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा यहाँ पे वॉयलेंस है ना औरतों के खिलाफ इस देश में, रेप और औरतों के खिलाफ डोमेस्टिक वॉयलेंस और रॉबरीज, कारजैकिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, पिटा जाता है औरतों को, छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर देते हैं, ये सब चीज़ें। ओके एक आई तो है किसी और की टैक्सी, मेरे को इसी में भेज देंगे, इसमें अंग्रेज बैठी एक लड़की, पता नहीं सरप्राइजिंगली कैसे कोई आया हुआ है। बहुत गिने चुने लोग आते हैं बाकी इस देश में, ट्रैवल करना बिल्कुल अवॉइड करते हैं, पैसिफिक ओशियन के बाकी सारे देश बिल्कुल सेफ है बहुत, लेकिन इस देश को कहा जाते हैं कि ये नोटोरियस देश है, इधर मत जाओ। सारे बिल्कुल वही आते हैं जो या तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, जंगल में जाना हो, इस शहर में घूमने का तो कुछ नहीं यार, सही बताऊँ ना, मतलब कुछ ही ऐसे देश होते हैं जो मेरे को नहीं पसंद आते, इतने बहुत थोड़े देश हैं, वरना मैं हमेशा तारीफ करता हूँ देशों की, हमेशा बढ़िया चीज़ें देखता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। पर एक दो देश है जैसे कि हाइती है, एक तो वो देश कैरेबियन सी में, दूसरा है ये पैसिफिक ओशियन का पापुआ न्यू गिनी, जिन 60 देशों में आ गया उन 60 में से दो देश ये है जिनमें मैं दोबारा नहीं आऊँगा। ये रही भाई अपनी टैक्सी, भाई चल पड़े हैं और ये जो बच्चे आप देख रहे थे ना होटल में जो नहाने आते पूल में, ये भी वही है जिनके जो इफेक्ट हो रखे है, इस शब्द में यूज़ करना चाहता हूँ, नहीं समझ यहाँ पे अंग्रेजी बोल लेते लोग सारे, तो आप समझ सकते हो ये जो यहाँ पे गुनाह है घर के अंदरूनी गुनाह, माँ को पीटना, बाप नशे में रहता है और ये इधर एक नशा भी करते, तो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा, तो वही है बच्चे इफेक्ट होते हैं और बाप जेल में है या बाहर है, उस वजह से आके फिर इनके खूब सारे फाउंडेशन बने हुए जो इनकी मदद करते हैं, इनको सहारा देते हैं, तो उसी तरह उनके थ्रू बच्चे आ गए यहाँ पे हमारे होटल में भी पूल में, उनको ये थोड़ी उनकी आउटिंग्स हो जाती है, घूमने को मिल जाता है। भाई बिल्कुल यूँ लग रहा है सही में कि कैसी खतरनाक जगह आ गया, इतने टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भी मतलब महफूज सा नहीं फील होने लग रहा, मतलब फ़ोन निकालते ही बाहर सारे लोग ऐसे मेरे को घूर रहे हो गाड़ी में, और इसके तो काले शीशे भी नहीं है गाड़ी के, सब अंदर का दिखता है, कल जो गाड़ी थी उसके काले शीशे थे, इसमें इसका शीशा भी डाउन है, और ये पहले एक ऐसी जगह ले गया वहाँ पे इसने गाड़ी रोक दी, एक आदमी से बात करने लग गया, मेरी तरफ इशारा करने लग गए सारे, मेरे को तो गड़बड़ सी लग रही थी, लेकिन अब ये जैसे तैसे ले तो आए, और इसको रास्ता भी नहीं बता था, मैं बताने लग रहा हूँ इधर ले उधर ले, गलत भी ले गया, भटक भी गए सड़क पर भी, पीछे बहुत भीड़ थी भाई, जाम सा था सड़क पे, और ना भी स्कूल की छुट्टी का टाइम है, तो बच्चे आ रहे थे स्कूल से, और सबके दांत लाल, बच्चे बड़े बूढ़े औरत लुगाई बच्चे आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके दांत लाल, उससे बीटल नट से भरे हुए सबने वो चबा चबा के। शुड बी हेयर द लोकेशन सेज हेयर, आई डोंट सी अ जिम हेयर, लोकेशन तो आ गई भाई, पर यहाँ पे कोई जिम ही नहीं है। Is there a gym here? Do you know a gym? The location says here, but there's nothing here. भाई मेरे पसीने देख के आप समझ गए होगे अभी तक एक्सरसाइज शुरू भी नहीं करी, इधर कोई भी नहीं मिला मैं लोकेशन पे तो जिम, फिर उसे मैंने फ़ोन करा कुदरती, उसने फ़ोन उठा लिया मालिक ने या जो भी जिसका नंबर था वो गूगल पे, वो फिर लेने आए इधर बाहर, मैं इसके अंदर ही बैठा रहा, बाहर तो अजीबो गरीबी माहौल है भाई बिल्कुल ही,
शीशे बंद करके अमीज में बैठे रहे। अब ये मेरे को उधर तक छोड़ रहे, उसके मेन गेट तक, बिल्कुल यहाँ तक भी बोलना पैदल मत जाओ। वापसी का देखेंगे, दो घंटे में जिम बंद हो जाता है। वापसी में कोई साधन अपने को मिले, इसी को बोल लूँगा मैं जिम वाले को, मेरे लिए कोई साधन अरेंज करवा भिजवा मेरे को वापस। ये रहा भाई आगे, मतलब यहाँ भी नहीं उतरने दिया बाहर रोड पे, अंदर तक बिल्कुल बिल्डिंग के अंदर तक जाओ। यो या थैंक यू, यू वेलकम। ये भी फालतू मांग गया, पर मैंने सोचा छोड़ो कौन माथा मारेगा बाज की ना के पीछे। चलो हाय ब्रदर, थैंक यू टू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन पिक मी अप। ओह इट्स अ नाइस प्लेस। ये है भाई जिम, यहाँ पे बहुत मेरे को तो सही लगा जिम, छोटा है। हालांकि मैं जब आया ना तो ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे कि भाई जिम छोटा है, मेरे को पसंद नहीं आएगा और ये वो, पर बहुत ही वार्म लोग थे, बहुत अच्छे से मिले। हस्बैंड वाइफ चलाते हैं दो जने से, और जिम इतना बड़ा नहीं है पर मेरे को काफी अच्छा लगा। इक्विपमेंट तो देखो पूरी दुनिया में सेम होता है, जो लोग होते हैं जिम में मिलते हैं वही एक्सपीरियंस स्पेशल बनाते हैं, और इसलिए मेरे को अलग अलग देशों में जिम जाना पसंद है। सिर्फ इक्विपमेंट और एक्सरसाइज के लिए नहीं है वो, क्योंकि इक्विपमेंट तो सेम ही होता है हर जगह, लोग जो मिलते हैं दोस्त नहीं बनते हैं, वो एक्सपीरियंस अलग ही मजा आता है देश में करने का। तो करते हैं एक्सरसाइज शुरू, आज मैं पुश वर्कआउट करूँगा मेरा। और ये लोग अच्छे थे भाई, इनसे काफ़ी मजा आया बात करिए, बहुत ही वेलकमिंग, अच्छे से इनने बात बात करी। 20 की ना एक दिन का इनके पर सेशन की फीस है, जो कि अपने इंडिया कितने हुए 500 रुपये हुए, जिसमें बोले एक घंटा कर सकते हैं। तो बाद में बोले कोई नहीं, आप तो चाहे लंबा कर लेना, पर वैसे इनका रूल है कि भी एक घंटा ही कर सकते हैं। मैं जल्दी से करता हूँ अपनी एक्सरसाइज शुरू। सारे जिम वाले मेरे साथ कम से कम 15-20 तीन चार लोग ही थे, पर अलग अलग पोजेज में अलग अलग जगह मेरे साथ फोटो खिंचा रहे थे। और अभी मैं बाहर निकला हूँ तो इतने एक्साइटेड थे अंदर से, उनकी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी पता नहीं किस वजह से, पर बहुत अच्छे थे भाई। फाइनली मेरे को कोई चीज़ पसंद आई पापुआ नुगीनी में। एक तो इनका जो नेचर पार्क था, कल जितने हम गए थे यहीं कैपिटल सिटी में पोर्ट मोर्सबी नेचर पार्क, एक तो वो, और दूसरी चीज़ ये जिम है, ईस्ट स्ट्रीट 24 आवर जिम। ये दो चीज़ें मेरे को बढ़िया लगी इस देश में, इसके अलावा तो कुछ और इतना खास लगा नहीं। टैक्सी आ गई है बाकी अपनी, इन्होंने ही बुलवा दी थी टैक्सी, मैं बोला तुम ही मंगाओ। पीछे मेरे जिम है भाई, ये टैक्सी इधर खड़ी है मेरे ख्याल से, ड्राइवर इधर उधर भाग गया हमेशा की तरह, इधर आदत होती है लोगों की एक जगह टिकते नहीं है ढंग से। व्हाट्स योर नेम? जेरी, नाइस टू मीट यू। That's okay, huh? Yeah, this one's fine. More leg space on this seat. Okay. Let's go, Jerry. Yeah, you have long legs. Right? Yeah, I have long legs. Yeah, just like that, it's better here, and yeah. I can see the country better. Yes. welcome. Thank you. How long you are here in Papua? It's my third day in Papua New Guinea. Oh, that's good. Yeah. Ye dekho bhai, ye airport hai idhar left mein. ये भाई कोक पड़ी इधर गाड़ी में, जगह जगह कोक के कैन पड़े हैं। यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ कोक, आई सी सो मेनी कोक कैंस इन द कार। नो, जस्ट ओनली वन, टू कैंस एट द बैक एज वेल। नो, दिस द वन ऑफ द फेलो ड्राइवर। ओह, गुड डे, टीम जस्ट रोड आउट सेट। ओके, बट नाइस कार, इज इट जापानीज? नो, टोयोटा जापानीज। जापानीज, या यहाँ पे गाड़ी ना सारी ये जैपनीज पुरानी गाड़ी है, जैसे मैंने बताया इम्पोर्ट होगा ये, तो सारी गाड़ी भी हालत ना बिल्कुल पुरानी होती है, नई गाड़ी दिखती नहीं, सारी ऐसी पुरानी सी। या दिस इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये भाई 4 साल पुरानी गाड़ी है, और ये बोल रहे देखो बिल्कुल नई जैसी है मेरी गाड़ी, सिर्फ 4 साल पहले मैं लिया। अब समझ जाओ 4 साल पहले इधर से लिया पापुआ न्यू गिनी में, जापान में तो बहुत पुरानी होगी, इधर इम्पोर्ट हुई होगी, फिर 4 साल पहले इन्होंने खरीदी होगी। तो कह रहे थे कि बहुत बढ़िया गाड़ी है, वैसे तो सही है, अपने को तो कैश और सार कुछ नहीं कर रही, मैं भी बोला मस्त कार है। चलो, इज द सिटी सेफ फॉर टूरिस्ट लाइक मी? इज इट सेफ फॉर मी? सेफ, ओके। Some look, they will tell you that Papua New Guinea is well, they are primitive and stupid animal, but yeah, not all of them. Yeah, only 1 or 2%. Yeah, like you are very nice. Yes, you are very friendly and nice. Yes, friendly with others. You friendly with others like Philippines, China, Hindi, or whoever. Yeah, they came to Papua New Guinea. You just friend with them, stay with them. Yeah. So they want to make business. You stay with them. They will assist you for any other things, like they will give you money, look after you. Yeah. So then you look after them. Yeah, that's then, true. Then stay together. Yeah. But only 1% smoking drug. That they have got a head of problem. Drugs. Drugs.
Who? All the, some of those druggers. Oh, the ones who do drugs? Yes. Are not good? Not good. Okay. So they are making and the crimes? Yes, the crimes. Oh. They think that all PNG are smooth drugs. Ah, okay, no. Not all PNG. No, okay. Only 1%. Only 1%? Yeah. तो ये कह रहे हैं कि जो थोड़े बहुत लोग जो ड्रग्स करते हैं सिर्फ वो बेकार है, बाकी पीएनजी के लोग दे आर वेरी गुड, वेरी नाइस पीपल. और बट यू डू बीटल नट? बीटल नट इज नथिंग, यू कैन, इट्स नथिंग, इट्स इन बीटल नट, या इट्स प्लांट, प्लांट सीड, यस, नॉट ड्रग, आई नो, या एंड यू कैन स्मोक अ सिगरेट, या दैट इज ओके, या इफ एग्जांपल टू मी, या इफ आई एम अ स्मोकर, या देन इफ आई डोंट स्मोक एंड ड्राइव I would feel sleepy. Yeah, that's correct. That's why. That's correct. So I must smoke. Yeah. To clear my hair, change the road. Yeah, you are right. If you are not smoking or chewing durian nut and you are sleeping, yeah. How can you know that another vehicle is coming to bump you? You are right. So it's very important. Very important. Yes. So for safety, cigarette is important. Yes. Sir. Yes. You can smoke or you can do anything. If you think also, if you are not a smoker, you can buy a K or lonely or anything to. Make you highlight. Yeah, correct. तो ये कह रहे हैं भाई सिगरेट पीने से नींद नहीं आती और हम गाड़ी चला रहे हैं तो सो गए तो पैसेंजर को चोट लग जाएगी, ताकि नींद ना, इसलिए सिगरेट पीनी जरूरी है, ऐसा इनका कहना है. टुमारो आवर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया इज कमिंग. कमिंग टुमारो. या आई नो, आई नो, आई नो, दैट्स गुड, दैट्स गुड, गुड फ्रेंडशिप, गुड फ्रेंडशिप. नरेंद्र मोदी, हिज नेम इज नरेंद्र मोदी. यस, नरेंद्र मोदी इज कमिंग हियर टुमारो. आई हैव मेट नरेंद्र मोदी इन इंडिया 5 years ago. 5 years ago. Yeah. Oh, good. So when will you go back? I will go back in 2 days. Oh, my brother. Do you want me to leave now? Yeah. I want to stay with you. Stay with me, or I want to stay with you too. But there is carjacking here. People rob the cars also, right? I saw on YouTube videos. People will put a gun and rob the car of people. That happens, right? They will never do like that when you stay with the PNGs. If you stay with me and you make a business, Nothing will happen. Nothing will happen. Oh, wow. Okay, I will stay with you forever. Then they will say, no, that's his friend. Yeah. Stay with him. Don't do it. So my brothers and Jesus brothers, uncles, aunties will come and say, make it funny, stay with you. Yeah. Nothing. You are right. You tried. I will only travel with you. Otherwise, they will rob me. Rob you, yeah. But. Nothing. Okay, I trust you. अंदर गया मैंने नवांकुर छोड़ा था, नवांकुर में उठा लाया. तो यहाँ पे बहुत महंगी पड़ती है टैक्सी वैक्सी, ना बाहर जाने का मन करता, ना सेफ है. ये बंदा मेरे को ठीक मिल गया, जहरी भाई से दोस्ती तो होगी. मैंने सोचा इसी भाई को लेके चल पड़ते हैं खाना खाने. तो ये जहरी भाई बोल रहा है कि ये जो टैक्सी खड़ी है ना बाहर, ये रंग बिरंगी जो मैं आपको दिखा रहा, बोल रहा था ये खतरनाक उस तीन में ना बैठना. तो ये जहरी भाई खुद ही, जबकि टैक्सी वाला और ये बता रहे कि टैक्सी वाले आपको कहीं और ले जाएंगे और वहाँ जाके आपका अपहरण कर देंगे. They can kidnap us. They can kidnap you. They can charge you too much. Too much. Okay. But you don't kidnap us. Please. You are my brother. How can I kidnap you? You are my brother. Don't kidnap me, please. Yeah. If I come to India. India. Then I will know that. I will show you around. Yeah. I will know that my brother is there. So. Yes. And I will not kidnap you in India. Yeah. You will never give me my brother. But I am talking to you of your safety. Don't get any other taxis. Okay. They can kidnap you. Yeah. And then they can kill you. Taxi driver can kill me? Yeah, they can kill you. Okay. But 10 minutes ago you said people are very good. No one does anything, only 1% people. Yeah. But now you say the taxi driver will kill me. ये भी सिस्टम बिठा रहा है अपना, ताकि सिर्फ इसकी टैक्सी ले. 10 मिनट वाले बोला कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप बोल रहे हैं दूसरी टैक्सी में ना बैठते ना गोली मार देंगे. ये देखो भाई अब शाम का समय हो गया, लोग काम करने के बाद अब इन बसों में चढ़ के अपने अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं, बसों की वेट कर रहे हैं. थोड़ी देर पहले जब मैं जिम जा रहा था तब स्कूल की छुट्टी हुई थी, तब मोस्टली स्कूल के बच्चे दिख रहे थे सड़कों पे. अब ये सारे नौकरी पेशे वाले लोग दिख रहे हैं जो अपनी जॉब से छुट्टी लेके आए होंगे. और इधर ना मेरे को अभी ड्राइवर ने बताया, वैसे मेरे को पता भी था हर जगह का ही रूल है, तो शीशा हमेशा चढ़ा के रखो, गेट लॉक्ड रखो, क्योंकि कोई फोन खोज के चला जाएगा. और यहाँ पे गाड़ी की लूटपाट तो होती है जो मैं आपको बता चुका बहुत ज़्यादा. भाई मैं पहले ही बता चुका काफ़ी वीडियोज में शायद, और अब दोबारा बता रहा हूँ कि दुनिया में आप किसी भी देश में चले जाओ, एक रूल समझ लो कि भी कभी भी किसी भी वाहन चालक यानी कि टैक्सी का जो चालक है उस पर कभी भरोसा नहीं करना, कभी भी. ये रूल है, कितना ही अच्छा बन जाए वो आदमी या कितना अच्छा चाहे हो भी, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं होते सारे, चाहे हो भी, पर आप भरोसा मत करो.
क्योंकि 99.999% वो मतलब अपने फायदे के लिए करते हैं सारी बात। ये भाई मैंने 60 देश घूम के निचोड़ निकाला है भाई, पहले भी निकाला था और नवांकुर ने भी निकाला भाई निचोड़। और ये रूल आप एक्सेप्ट कर लो कभी भी, अब मैं इस पर आँख बंद करके भरोसा कर लूँ तो वो मेरी बेवकूफ़ी होगी, मेरे साथ ही कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो कभी भी इन पर पूरा भरोसा कभी मत करो। ये भाई इनके देश का सबसे सबसे बढ़िया एरिया पूरे देश में मैं तो मानता हूँ, मतलब मॉडर्न एरिया कह सकते हैं, बढ़िया तो नहीं मॉडर्न एरिया सबसे। देखो ये बीच, साथ में इसके बास्केटबॉल कोर्ट लगे हुए हैं और इधर ही इनकी ये बिल्डिंग्स जो भी एक दो अच्छी है वो सब इधर है। इस रोड पे अपन चल रहे हैं, कल भी आए थे अपन इधर। इस एरिया को एला बीच बोलते हैं या हार्बर बोल देते हैं। ये पार्ट देखो यार, ये सड़क सिर्फ यूं लग रहा है ना यूएसए वाला पार्ट कमाल हो गया यार, सिर्फ यही दो चार बिल्डिंग है, यही डाट दे या स्टॉप फिर प्लीज। भाई साहब हम तो किसी फाइव स्टार जगह पे आ गए, पहले तो सारी जगह एकदम बैकवर्ड सी थी, अब ये कि दम ऐसी जगह आ गए भाई जो पता नहीं इस देश में सोच भी सकते थे एग्जिस्ट करती है। भाई साहब हार्बर बना तो खूबसूरत रखा है, जितने हमने बाकी टैक्सी में बताया उतने इधर मेन्यू में लग जाएंगे फालतू, बहुत ही महंगा मिलेगा, फाइव स्टार टाइप ही है। चलो पर बाकी सही है, किसी बनने आई है तो ये वाला पार्ट भी देख लिया इस देश का, नहीं मेरे को तो उम्मीद थी नहीं इधर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता भी होगा बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई साहब, ये रेट है कर लेना आप कंपेयर, एक किन्ना में इंडिया के 24 रुपये होते हैं और एक USD में 3.5 किन्ना है करीब। ये देख लो भाई वड़ा पाव 16 का और प्लेन डोसा 17 का, 24 मल्टीप्लाई कर देना इंडिया की रेट आई, जैसे गार्लिक नान है 10 की यानी 280 रुपये की गार्लिक नान। ये है भाई बटर चिकन 55 का, लगभग कितना 1400-1500 रुपये का होगा शायद करीबन, सही है बाकी इस जगह के हिसाब से तो जायज़ भी है बाकी ऐसे रेट। देखो एकदम ही फाइव स्टार होटल है और बिल्कुल बाहर हार्बर का नज़ारा। यार ये इलाका आपने सोचा ही था इधर एग्जिस्ट भी करता होगा, पता था फिर लेके क्यों नहीं आया इधर एग्जैक्टली ढंग से नहीं आ पाए कल। कल हम आए तो थे लेकिन ना इसके परली साइड से दूसरे बीच पे थे इधर, मतलब ठीक से हार्बर पे नहीं आ पाए, पर चलो सही है अब हमने इनका सबसे मॉडर्न एरिया भी देख लिया, ये है इनका जो भी सबसे टॉप एरिया ये तो भाई जेन्युइनली अच्छा है एरिया तो लगा अच्छा, और बाकी एरिया तो ऐसे ही इतने लगते नहीं थे। खा लिया भाई खाना, बिल आया 120 किन्ना का जो कि अपने इंडिया के बने 2,850 कुछ रुपये, जिसमें मोस्टली खाना 70% मैं ही खाता हूँ और नवांकुर गया हर वक्त मैं खाता हूँ, मेरे को टोकता रहता है तूने मेरे से ज़्यादा खा लिया, मेरे से डबल का खा लिया, मेरे को गुस्सा आता है खाते टाइम इस चीज़ को लेकर, तो मैंने इसके सीधा पैसे ट्रांसफ़र कर दिए कल परसों 5,000 रुपये। मैं बोला मेरे को दुखी ना किया कर जब मैं खाना खा रहा हूँ मगर ये तेरे चुप रहने के पैसे है, मैं खाऊँगा फालतू। खा लिया बाकी खाना, ड्राइवर को फ़ोन कर दिया, उधर बार रोड पे आ रहे हैं अपना जेरी भाई और चलते हैं। बाकी आज फ्राइडे है यहाँ पे माहौल अच्छा सा है, इनका हार्बर है यहाँ पे मेरे ख्याल कोई बार होगा, यहाँ के सारे अमीर लोग आए हुए होंगे, अपन चलते हैं।